दीग जिले में चल रहे श्री जवाहर प्रदर्शनी एवं ब्रज यात्रा के 11 दिवसीय मेले के दौरान अखिल भारतीय विराट कुश्ती दंगल का आयोजन दीग कुम्हे भाजपा विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह के मुख्य आतिथ्य और सभापति निरंजन टकसालिया की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान नगर परिषद एवं भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा विधायक शैलेश सिंह का साफा और जल महलों की तस्वीर भेंट कर भव्य स्वागत किया गया। वहीं पूर्व की परंपरा से हटकर पहली बार वेद की कुश्ती दंगल आयोजित हुआ, जिसमें स्थानियों के अलावा दूर दराज से आए इलाकों से आए पहलवानों ने जोर आजमाइश की। इस मौके पर विधायक डॉक्टर सिंह ने पहलवानों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अगली बार की कुश्ती दंगल के आयोजन को मेज पे गद्दों पर करवाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से चर्चा कर शीघ्र ही दीग जिले में खेल स्टेडियम निर्माण करवाया जाएगा। विजेता पहलवानों को विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह व सभापति निरंजन टकसालिया ने इनाम देकर पुरस्कृत किया। आपने पॉइंट वाला दंगल तो लगा लिया, लेकिन पहलवान जी मैं आपको आश्वासन देकर जा रहा हूँ, अगला जो दंगल होगा वो यहाँ पर मैच पर होगा। आपको मैच दिलवा दूंगा और किसी एक स्थान को अपन तय कर लेंगे, वहाँ पर मैच रख जाएगा और वहाँ पे जिसके अखाड़े के पहलवान हो वहाँ पर प्रैक्टिस करने जा सकते हैं। बहुत बढ़िया। प्रदर्शनी ब्रज यात्रा मेले का अखिल भारतीय विराट कुश्ती दंगल का आयोजन हो रहा है। मेले के स्पेशल गेस्ट मुख्य अतिथि दीप कुमार विधायक डॉक्टर शैलेश दिगंबर सिंह यहाँ पहुंचे हैं, उनके साथ तमाम पहलवान हैं, चेयरमैन सभापति जो है निरंजन टकसालिया है, तमाम पहलवान और उनके साथ में उनका किस तरह मनोर हो रहा है, क्या चीजें हैं? चलो भाई कुश्ती छोड़ो। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि दीग में हर साल मेले का आयोजन होता है और उसमें विशाल कुश्ती दंगल का आयोजन होता है। दीग में पुराने समय से ही हमारे राजशाही समय से ही हमारे दीग के पहलवान प्रसिद्ध रहे, पूरे देश के अंदर विख्यात पहलवान दीग से आते हैं और जिस तरह से पिछले कुछ सालों से देखने को मिल रहा था कि दंगल में जिस तरह से कुश्ती आजकल ओलंपिक्स में होती है या बड़े किसी टूर्नामेंट में होती है उस तरह से यहाँ पर नहीं हो पा रही थी, आज हमने एक नई शुरुआत की। यहाँ पर पॉइंट्स की कुश्ती कराकर एक नई शुरुआत हमने की है, जिसमें बहुत ही अच्छा आयोजन दंगल का हो रहा है और इसको आगे चलकर हम और भी अच्छे लेवल पर लेकर जाएंगे। आगे प्रयास रहेगा कि मैट पर हम कुश्ती हैं। सैनी जी एक सवाल ये है लगातार कि दीग अलग ही जिला बन गया है, सारी बातें हैं, लेकिन कुश्ती एकेडमी की लगातार बात भरतपुर में तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की घोषणा हुई, हालांकि हर जिला स्तर पर आपकी सरकार ने घोषणा की है, तो यहाँ कब तक चीज़ें हो जाएंगी? क्योंकि ये वो इलाका है जहाँ कुश्ती से तमाम खेलों के जो खिलाड़ी हैं वो रहेंगे और मेले की जो व्यवस्था है वो भी चाकरों पर। देखिए दीग नया जिला बना है, अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, इसलिए पूरी बहुत ज़्यादा कुछ व्यवस्थाएँ हमारे जिले के अंदर नहीं है। मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी, उसमें एक अकेडमी के साथ साथ मैंने स्टेडियम की मांग उनसे रखी है और उन्होंने मेरे को पूरा आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी हमारे डी कुमेर के लिए एक स्टेडियम हमें मिलेगा। चलो सर आप बताइए किस तरीके से मेले का जो सफल आयोजन है उसको लेकर क्या रहेगा? जो जवाब प्रदर्शनी है जैसे आत्मा मेला नई तरीके से जो कुश्तियाँ लग रही हैं, हमारे विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह के आशीर्वाद, उनके नेतृत्व में, उनके सानिध्य में दंगल सफल हो रहा है और मैं चाहता हूँ अगली बार जो दंगल लगेगा तो भाई जी नेट की घोषणा कर दी है, अगली बार जो कुश्ती होगी उम्मीद कर रहा हूँ। ये थे चेयरमैन निरंजन टकसालिया। और क्या अनुभव कर रहे हो आप? ये नई सूची है जो पहलवान ने बड़ी अच्छी चलाई ओलंपिक लेवल पर, ये जो टूर्नामेंट है बहुत अच्छी सबक मिलेगी और अपने जो युवा है उनको आगे चलने का मौका मिलेगा और जनता से बहुत प्यार मिला, सम्मान मिला और ऐसे ही हर बार दंगल होता रहे, मैं भगवान से यही कामना करता हूँ। डीग दोबारा आना चाहोगे? डीग दोबारा आना चाहोगे? बिल्कुल आना चाहेंगे जी, फिट रहे तो बिल्कुल आएंगे, बार बार आना चाहेंगे। वैसे भी ये तो मेरे गाँव ही समझो, दूसरा रिश्तेदारी बहुत है हमारी।